और नगर परिषद नालागढ़ के अध्यक्ष पद के चुनाव में कांग्रेस समर्थित पार्षद अलका वर्मा को निर्विरोध चेयरमैन चुना गया है। अलका वर्मा तीसरी बार नगर परिषद नालागढ़ की अध्यक्ष बनी है। एसडीएम नागरिक और चुनाव अधिकारी दिव्यांशु सिंघल की अध्यक्षता में चुनाव करवाया गया। पार्षद महेश गौतम और अमरेंद्र भिंडर ने अलका वर्मा का नाम अध्यक्ष पद के लिए सामने रखा, जिस पर 6 पार्षदों ने एकमत से अपनी सहमति जताई, जबकि विधायक समेत 3 पार्षदों को ना चाहते हुए भी अपना समर्थन अलका वर्मा को देना पड़ा। वहीं नवनियुक्त अध्यक्ष और उपाध्यक्ष समेत सभी पार्षद शहर के विकास करने के लिए एकजुट होकर चलेंगे। उन्होंने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस के उम्मीदवार को बढ़त दिलाई जाएगी, शहर में सुचारू रूप से विकास करवाया जाएगा। मैं कहता तो नालागढ़ शहर के लिए ऐतिहासिक दिन है कि निर्विरोध मैडम अलका वर्मा जी तो नगर परिषद का नालागढ़ का अध्यक्ष चुनी गई है। मैडम तो इसके लिए मैं सभी पार्षदों को बधाई देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और इसमें सहयोग हरदीप बाबा जी का रहा। इकट्ठे मिलकर स्ट्रेटजी बनाई गई, माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद था, उन्हीं के निर्देशानुसार। आज आप जो प्रधान पद के लिए क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले सभी को जय श्री राधे और मेरे पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो हमारे इस इलेक्शन में अपना टाइम निकाल के हमारे इस फंक्शन में, इस समारोह में शामिल हुए। सब इस सबका श्रेय जो है हमारी हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को जाता है, जिनके दिशा निर्देश अनुसार, उनके उद्देश्य अनुसार हमारे कांग्रेस प्रदेश नगर परिषद नालागढ़ का अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ है और ये अध्यक्ष पद का चुनाव पिछले 7-8 महीने से लंबित था और आज वो चुनाव संपन्न हुआ। जैसे कि हमारी बहन अलका वर्मा जी ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, उनके सहयोग से हम लोगों ने उनको, जब हम लोग मिले उनको सारी स्थिति से अवगत कराया गया और बताया गया कि कांग्रेस पार्टी की